दोस्तों आज मैं आपको कराने वाली हूँ देवास जिले की सैर। और बता दूं कि आपको यह देवास जिला है, यह इंदौर के पास है। इंदौर से 30 किलोमीटर का रास्ता है। देवास के पास में जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में है, तो आप इंदौर एयरपोर्ट पर आकर देवास आ सकते हैं। 30 किलोमीटर किसी बस या कार, जीप बहुत सारी देवास से तो चलती रहती हैं, तो आप देवास में आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप 20 प्लेसेस ऑफ देवास। नंबर 10, देवास गेट। यहाँ पर चार दरवाजे हैं, इन्हें सयाजी गेट, शुक्र दरवरिया गेट, पठान गेट, नाहर दरवाजे के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, गिड़िया खो। यह बांकई में प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नमूना है। यह झरना 500 से 600 फीट की ऊंचाई से गिरता है। देवास से जाने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर। नंबर 8, कावड़िया हिल्स। इसे कावड़िया पहाड़ी कहते हैं, कुछ लोग इसे वंडर ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कि प्रकृति का चमत्कार। यहाँ पर 50-60 फीट ऊंचे पत्थरों की चट्टाने खड़ी हैं। ऐसा लगता है इन्हें किसी फैक्ट्री से बना दिया गया है, पर यह वाकई में एक प्रकृति का बहुत ही अद्भुत नमूना है। नंबर 7, पुष्पगिरी तीर्थगढ़ सनबर्स्ट सोनकच्छ। यहाँ करीब 15 से 16 हजार की बस्ती रहती है। यहाँ का मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है। नंबर 6, हरनावड़ा हिल। अगर आपको जंगल देखना पसंद है तो यह हरनावड़ा हिल बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको कई सारे जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5, छिप्रा नदी घाट। छिप्रा नदी देवास में बहती है। इस नदी के आसपास आपको कई सारे मंदिर मिल जाएंगे और इस नदी के पास आकर आप बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे। नंबर 4, कैला देवी मंदिर। यह मंदिर देवास राज्य का बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को दक्षिणी भारतीय कलाकारों द्वारा बनाया गया है। नंबर 3, मीठे पानी का तालाब। यह देवास की बहुत ही शानदार जगह है और बरसात के टाइम में यहाँ आने पर बहुत ही मजा आता है। यहाँ शाम के टाइम में आकर आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। नंबर 2, खैनी वन्य जीव अभयारण्य। यह 132 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको हाथी, शेर, चीता, भालू, कई तरह के वन्य प्राणी आपको देखने मिल जाएंगे और वन्य की कई सारी प्रजातियाँ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकते हैं। नंबर 1, देवास टेकरी। यहाँ माता चामुंडा और तुलजा भवानी माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ दूर दूर से कई सारे लोग आते हैं और सभी की मुरादें पूरी होती हैं। यही करीब 300 फीट की ऊंचाई पर है। नवरात्रि के दिन में यहाँ लोगों का मेला लगता है। आई होप यू गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताना आप और कौन कौन से प्लेसेस के टॉप 20 प्लेस देखना चाहते हो। अगर आप जहाँ पे भी रहते हो, आप जिस भी शहर में रहते हो, आप मुझे कमेंट पे उनके टॉप 20 प्लेस बता सकते हो। और जो भी आपको लगे आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी मेरे चैनल में। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स